तो इस वक्त की बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, काफिले की गाड़ी अचानक रास्ते में अचानक कुत्ता सामने आया, हादसे में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हादसे में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से लौटते समय यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम योगी के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ी इस हादसे का शिकार हुई, रास्ते में अचानक कुत्ता आने से यह हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है। तो अचानक गाड़ी के सामने कुत्ता आ जाने से यह हादसा हुआ। लखनऊ एयरपोर्ट से लौटते समय यह हादसा हुआ है। कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं, सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और हादसा होने का कारण, रास्ते में अचानक कुत्ते के आ जाने से यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि हादसे में कई पुलिसकर्मियों के चोटें भी आई है, यह सूचना मिल रही है। फिलहाल सभी घायल पुलिसकर्मियों को लखनऊ के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से लौटते समय हादसा हुआ है, सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रास्ते में अचानक कुत्ता आने से यह हादसा हुआ और इस दुर्घटना के अंदर कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट से लौटते समय यह हादसा हुआ। और ये तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ी क्षतिग्रस्त होती है, अचानक कुत्ते के सामने आ जाने से ये दुर्घटना हो जाती है और इस दुर्घटना में कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है। लखनऊ एयरपोर्ट से लौटते समय यह हादसा हुआ है। आपको बता दें, सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं, सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंच चुके हैं, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची हुई है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। तो सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीएम के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई और इस हादसे में कई पुलिसकर्मियों को चोटें लगने की सूचना मिल रही है। अचानक कुत्ता सामने आने से यह हादसा हुआ है। फिलहाल सच बेधड़क पर सबसे पहले आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, लखनऊ एयरपोर्ट से लौटते समय यह हादसा हुआ, सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय सच बेधड़क पर आप देख पा रहे हैं, सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आपको बता दें, हादसे में कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। फिलहाल सुरक्षा बल यहां पर तैनात है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दुर्घटना के बाद भीड़ जमा हो गई यहां पर। सीएम योगी के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। सबसे पहले सच बेधड़क पर ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इस हादसे से जुड़ी हुई। फिलहाल तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस जाब्ता यहां पर पहुंच चुका है। तो अर्जुनगंज यूपी उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ है। आपको बता दें, सभी घायलों को सिविल अस्पताल भर्ती करवाया गया है। अर्जुनगंज यूपी की ये तस्वीरें हैं जहां पर यह हादसा हुआ, सीएम योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है। आपको बता दें, रास्ते में अचानक कुत्ता आने से यह हादसा हो गया है और इस हादसे के अंदर कई पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई है। लखनऊ एयरपोर्ट से लौटते समय यह हादसा हुआ, अर्जुनगंज यूपी, अर्जुनगंज उत्तर प्रदेश में हादसा हुआ है। फिलहाल सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो रास्ते में अचानक कुत्ता आने से यह हादसा हुआ, सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया है। मौके पर फिलहाल सुरक्षाकर्मी पहुंच चुके हैं, राहत बचाव यहां पर जारी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अर्जुनगंज यूपी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सबसे पहले सच बेधड़क पर सभी घायलों को सिविल अस्पताल लेके जाया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मनीष चौधरी। मनीष,
क्या कारण रहा हादसे का, क्या कुछ अभी घटनाक्रम वहां पर चल रहा है? अर्जुनगंज यूपी में हादसा हुआ। एयरपोर्ट से जी अभी कौन कौन मौके पर मौजूद है? ठीक है मनीष, ये काफिले की, मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ी बताई जा रही है, कितने सुरक्षा कर्मी इसमें चोटिल हुए, उनको किस तरह से उनका इलाज करवाया जा रहा है, कहां पर उनको लेकर गए? हाँ मुझे बताया ये जा रहा है कि एयरपोर्ट से वापस मुख्यमंत्री आवास कर लौटे, रास्ता पहुंचा वहाँ पे पलट, वहाँ पे सबसे पहले जगह हो गई पुलिसकर्मी, आधा देखा पुलिसकर्मी जो घायल है उनको सिविल अस्पताल में, लखनऊ के सिविल अस्पताल है वहाँ ले जाया गया, और जो अन्य लोग घायल है पता चले कुछ लोग कार सवार थे, आगे से बताया गया जब कुत्तम जगह में टकराई तो एक कार से आकर लड़ गई है, उस कार के अंदर जो सवार थे वो भी घायल हो गए, और उसके पीछे जो जब ठीक है, घायलों की क्या कुछ स्थिति है, कोई गंभीर घायल भी है इसमें? देखिए बताया तो जा रहा है कुछ लोग की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, उनको आईसीयू में एडमिट कराया गया है, और बताया जाए अगर बहुत ज्यादा घायल अगर नहीं संभल पाएगा तो लखनऊ के ट्रामा सेंटर वहाँ उनको एडमिट किया जाएगा। जी ठीक है, दुर्घटनाग्रस्त कितनी गाड़ियां हुई उसके बारे में क्या कुछ जानकारी? बताया जा रहा है की एक जो कार थी जिस पर लोग बैठ सवार थे वो सीएम की जो डेवलपमेंट थी वो, और दो तीन गाड़ियां आगे जो डाले हाफ डाला होता है वो करीब चार से पांच गाड़ियां दिवस में हुई है। ठीक है, फिलहाल अभी राहत बचाव काम पूरा हो चुका है, अभी क्या घटनाक्रम इस समय वहाँ मौके पर? अभी सबसे बड़ी चीज जितने भी घायल सबको सिविल अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है, सारे के सारे के बड़े अधिकारी हैं सब मौके पर मौजूद हैं जी, और सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं, कुछ देर बाद पहुँचने वाले हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अर्जुनगंज लखनऊ, जहां पर चार से पांच गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होना बताया जा रहा है, कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल ये हादसे की तस्वीरें और ये गाड़ी की तस्वीर आप देख रहे हैं। सबसे पहले सच बेधड़क पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काफिले की गाड़ी जो कि हादसे का शिकार हुई है, रास्ते में अचानक कुत्ता आने से यह हादसा हुआ है। फिलहाल कई गंभीर घायल जिनको आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। तो ये तस्वीरें सबसे पहले सच बेधड़क पर आप देख पा रहे हैं, कितनी भयानक और परेशान करने वाली ये दुर्घटना और ये तस्वीरें।